गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़े थे जिसका नाम था प्लांट वर्ल्ड। उसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, प्लांट्स के इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में भी पढ़े, जैसे ट्रीज़ के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग हर्ब्स के बारे में पढ़े, फिर शर्ब्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग क्लिम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लिम्बर्स के बारे में पहले कुछ जानते हैं। क्लिम्बर्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स ही है और इसका स्टीम बहुत ज़्यादा वीक होता है जिसके कारण ये सही से खड़ा नहीं रह पाता है। इसे सही से खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उस सपोर्ट को फुलफिल करता है जो स्टीम में कॉइल होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो स्टीम में होता है वो उसको सही से खड़े रहने में सपोर्ट करता है। जैसे ग्रैप पाइन का देख लीजिए, ग्रैप्स का देख लीजिए, मनी प्लांट का देख लीजिए, ये सारे एग्जांपल्स क्या चीज़ के हैं, क्लिम्बर्स के हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टीम बहुत वीक होता है और वो सही से खड़ा नहीं रह पाता है और उसकी स्टीम में एक क्वाइल जैसा रहता है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो उसको सही से खड़े रहने में क्या करता है, मदद करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव ऑल्सो वीक स्टीम, दैट्स वाई इट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। इसका भी स्टीम बहुत वीक होता है और ये भी सही से खड़ा नहीं रह पाता है। पर ऑलमोस्ट क्रीपर्स का फ्रूट बहुत हैवी होता है जिससे वो किसी का सपोर्ट भी लेकर के वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, ज़मीन पे ही क्रीप करता है, ज़मीन पे ही वो फैलता है। जैसे आप लेख लीजिए वाटरमेलन, तो वाटरमेलन का देखिएगा उसका फ्रूट्स बहुत बड़ा रहता है। यदि हम उसको सपोर्ट से खड़ा करेंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, क्रीप में रेंगता है, वो ज़मीन पे ही फैलता है। जैसे पम्पकिन देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट है थ्रोनी प्लांट्स, मतलब कांटेदार पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस पौधे में कांटे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोनी प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स विच है थ्रोन इज कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। अब ये प्लांट्स ऑलमोस्ट डिजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक कैक्टस हुआ, पिकली पियर कैक्टस हुआ। तो ये वेराइटी ऑफ कैक्टस है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑलमोस्ट डिजर्ट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि डिजर्ट में वाटर की स्कार्सिटी होती है और इसे बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई दे फाउंड इन डिजर्ट। अब हम लोग एक्वेटिक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो एक्वेटिक प्लांट जानते हैं कि कहते किसे हैं। तो प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। वैसा प्लांट जो पानी में ग्रो करता है उसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जैसे वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक प्लांट के हैं। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। बाय विच प्रोसेस लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के द्वारा लीव्स फूड बनाता है किसके लिए, प्लांट के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सन से सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और पत्ती में तो क्लोरोफिल मौजूद ही रहते हैं। तो इन्हीं सभी के प्रेजेंस में वो क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है जिससे प्लांट ग्रो करता है और प्लांट क्या करता है, हमें भी फूड प्रोवाइड करता है। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, बाय विच प्रोसेस लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब आप लोगों के स्क्रीन पे देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर है, मल्टीपल चॉइस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फिर वे डू दिस प्लांट बिलोंग, बट दिस प्लांट्स अंडर द करेक्ट कैटेगरी, कोरिएंडर किससे बिलोंग करते हैं, हर्ब से, सर्ब से, जिस टाइप्स ऑफ प्लांट से, जिससे जो प्लांट इसमें एक रिलेटेड है वहाँ पे लिखते हैं। जैसे कोरिएंडर को हम लोग क्या चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो हर्ब से कनेक्ट करते हैं, एप्पल को ट्रीज से, मैंगो को ट्रीज से, तो ऐसे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में और है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, जो प्रॉब्लम हो हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब कैटेगरी बॉक्स लिखा हुआ उसमें सारे को फुलफिल कर देना। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दो। व्हाई डू क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। यदि आप कोशिश कीजिए, इसको बनाइए, नहीं बने तो फिर आप हमसे पूछिए और हम आपको इसका जवाब देंगे। थैंक यू।